लास्ट 28-29 मार्च को हमारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। पूरे हरियाणा में पूरी बसों का पूर्ण रूप से चक्का जाम किया जाएगा। 28 और 29 को मतलब एक भी बस विरोध में 28 और 29 मार्च को पूरे देश भर में चक्का जाम रहेगा। दलवीर किरमारा, हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान और सांझा मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य जी। किरमारा जी, आज आपके पूरे कर्मचारी यूनियन के कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बताएंगे क्या कारण? हरियाणा रोडवेज के सांझा मोर्चे ने पूरे प्रदेश की मीटिंग करके फैसला किया था, हाथों में दे रही है। इसको लेके पूरे प्रदेश भर में 4 तारीख को आज हमने प्रदर्शन किया है और 13 तारीख को हम जो करनाल में सीएम कैंप कार्यालय का घेराव करेंगे और साथ में जो आज देश की जो ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे 28 और 29 मार्च को 2 दिन को पूरे देश भर में हड़ताल रहेगी, उसके समर्थन में हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी जब तक इन कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जाती ये और निजीकरण को बंद नहीं किया जाता, हम इसके बावजूद भी मीटिंग करके और बड़े आंदोलनों की घोषणा करें। मुख्य मांगे क्या है किरमारा जी, बताएंगे? इसमें एक तो सबसे बड़ी मांग तो निजीकरण पर रोक लगाओ जी। दूसरी कर्मचारियों की पेंशन लागू करो। तीसरा, रोडवेज विभाग में आज जनता के हिसाब से बसों की भारी कमी है, 14,000 बसों को शामिल किया जाए। यदि 14,000 बसें रोडवेज में आओगी तो 70,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो ये सरकारी विभागों को चाहे वो कोई भी जहां भी मतलब है ना सरकार को नजर आ रहा है तो उसी को प्राइवेट हाथों में देने की जो बात करती है ये आज सबसे बड़ा मुद्दा 28 और 29 तारीख की हड़ताल का रहेगा। और हम सरकार से अपील करते हैं कि जिस प्रकार से एमएलए एमपी अपनी जितनी बार बनते हैं उतनी बार उनकी पेंशन बनती है, वो चाहे 2 दिन बनो इसके बाद भी पेंशन दी जाती है। और जो हरियाणा और देश के कर्मचारी 35-35 साल तक नौकरी करते हैं लेकिन उनको पेंशन से वंचित किया जाता है, जबकि बुढ़ापे में पेंशन ही एक कर्मचारी का सहारा है, इसको तुरंत मतलब है ना इसको वापिस लिया जाए और पेंशन लागू की जाए और रोडवेज में बसें बढ़ाए। आगे की क्या प्रक्रिया होने वाली है? अगर आगे की 28 और 29 तारीख की जो हड़ताल करने के बाद हम एक मीटिंग बुलाएंगे सांझा मोर्चा की और उसमें फैसला करेंगे कि आगे और आंदोलन की हमें बड़े आंदोलन की घोषणा उसमें करेंगे। एक सुनने में आ रहा है 28-29 को मतलब कि बसों का कुछ चक्का जाम हो रहा है, बताएंगे दर्शकों को क्या है? हाँ बिल्कुल, 28 और 29 तारीख का मैंने आपको बताया है कि जो देश भर की ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे और जो सरकार की पेंशन नीति है उसको लागू करवाने के लिए जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए और जो ये पूरे देश भर के जितने भी सरकारी महकमे हैं उनको निजी हाथों में देने के विरोध में 28 और 29 मार्च को पूरे देश भर में चक्का जाम रहेगा। सर मैं सांझा मोर्चा का सीनियर सदस्य सुरेंद्र सिंह, हरियाणा रोडवेज जागृति मंच का स्टेट सेक्रेटरी जी। बताएंगे आज यूनियन के कर्मचारी सारी इकट्ठा हुए हैं, क्या है मुख्य मांगे? सर आज हमारी जो 28 तारीख को हिसार में मीटिंग हुई थी उसके आन पर कर्मचारियों के काम कराने के लिए और सरकार विरोधी कर्मचारी विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए एक साझा मोर्चा बनाया गया था। सभी यूनियनों ने मिलकर हरियाणा रोडवेज की जितनी भी यूनियनें हैं सब ने एक मिलकर एक साझा मोर्चा बनाया है और इकट्ठे मिलकर लड़ाई लड़ने का एक संकल्प लिया है, क्योंकि आगे यदि हम एक अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे उसके कारण हमारी कर्मचारियों की मांगें नहीं निकल रही थी। जो किसानों का एक बिल के खिलाफ किसानों ने एक मोर्चा बनाया उसमें भी कम से कम 500 संगठन थे, 500 संगठनों ने एक एकता का परिचय देते हुए उन्होंने एक जो सरकार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और उसमें उन्होंने जीत हासिल की। उन्हीं से प्रेरित होकर हमने हरियाणा रोडवेज की भिन्न भिन्न यूनियनों ने एक साझा मोर्चा बनाया है और साझा मोर्चा बनाने के बाद
हमने आज 4 तारीख को हिसार प्रत्येक हरियाणा रोडवेज में जितने भी डिपो हैं सब में 10 से 12 बजे तक का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया था। इसी के लगातार में 13 तारीख को मुख्यमंत्री कैंप का घेराव करनाल में किया जाएगा और मुख्यमंत्री का कैंप का घेराव करके कर्मचारियों की मांगे मनवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यदि सरकार फिर भी नहीं जागती है तो 28-29 की जो हड़ताल है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसमें पूर्ण रूप से बसों का चक्का जाम किया जाएगा, क्योंकि सरकार विरोधी कर्मचारी विरोधी नीतियां अपना रही है। कर्मचारियों की मांगे हैं, जिस तरह कर्मचारी पेंशन से संबंधित मांगे हैं, क्योंकि कर्मचारी आज एक 30 से 35 साल की सेवा करने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद कोई पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता, और जितने विधायक हैं हमारे यहाँ, MLA है, कोई भी एक दिन सांसद बन जाता है तो उसको लाखों रुपए पेंशन का लाभ होता है, और कहते हैं कि कर्मचारी क्योंकि यदि पेंशन लागू की जाएगी तो देश पर भार पड़ जाएगा। हमारी तो सरकार से यही मांग है कि कर्मचारियों की जो पेंशन है वो बहाल की जाए, नहीं तो जितने विधायक और सांसद MLA जितनी भी पेंशन ले रहे हैं वो भी उनकी भी बंद कर जाए, क्योंकि भार तो उनसे नहीं पड़ रहा, क्या भार तो उनसे भी पड़ रहा है। तो इसी के विरोध में आज एक हमारा 2 घंटे का प्रदर्शन है, और इसके बाद 13 तारीख को हम मुख्यमंत्री कैंप का घेराव करेंगे। तो जो चक्का जाम आप बता रहे हैं राष्ट्र लेवल पे करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, राष्ट्र 28-29 मार्च को हमारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, पूरे हरियाणा में पूरी बसों का पूर्ण रूप से चक्का जाम किया जाएगा। 28-29 को मतलब एक भी बस नहीं चलने वाली? बिल्कुल एक भी बस नहीं चलेगी, क्योंकि कर्मचारियों ने मन में ठान ली है जब तक हमारे कर्मचारी एक हैं और तब तक हम सरकार को बिल्कुल झुका कर रहेंगे। सरकार कितनी भी कोई भी कर्मचारी विरोधी नीतियाँ अपनाएं, कर्मचारी पीछे नहीं हटेंगे।